तो कैसे हैं आप सब? सब ठीक? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज लेकर आए हैं आधा फुल का एक और दिलचस्प एपिसोड। मैं मानव और मेरी दोस्त नेहा। मानव, मेरा मन थोड़ा खराब लग रहा है। आज का शो तुम कर लोगे? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा है किसी ने तुमसे? किसी ने कुछ कहा नहीं है। मैंने कुछ पढ़ा है तब से। क्या पढ़ा है तुमने, मुझे बताओगी? मैंने, तुम मुझे बताओगे कि तुम आदमी लोग अपने आप को क्या समझते हो कि मार पीट करके तुम लोग कुछ भी कर लो? एक मिनट नेहा, क्या बोले जा रही हो? आदमी लोग मतलब क्या है? मैंने किसी को नहीं मारा, तुम किसकी बात कर रही हो? किसकी बात कर रही हूँ ये तुम खुद जान जाओ। देखो आधा फुल का ये एपिसोड दिखाओ भाई। कितने वेले नहीं, एक कंकड़ फेंक रही है। हमारे जासूस ना एकदम बेरोजगार है, कोई नया केस नहीं मिला क्या? इसीलिए हमने तरस खा के सोचा कि कुछ दिखा देते हैं। हाँ, है ना? हाँ। दिखाओ दिखाओ। तुम ऐसा क्या दिखा दोगी? गिरो, देखो देखो। लहला मजनू दी सेल्फी, क्या बात। अदरक देख, फालतू तो बोलेगा नहीं। हाँ बेटे, फालतू की बात तो मैं उस दिन करूंगा जिस दिन तेरे बाबूजी को बताऊंगा सेल्फियों के बारे में। वैसे लड़कियों के मामले में नहीं पड़ते हैं, और सेल्फी तुरंत खिंचा लेंगे। वैसे आप ये फोटोज हमें क्यों दिखा रही हैं? हाँ, हमें क्यों दिखा रही है? ऐसा क्या इसमें? प्लीज ले अपना फोन वापस दे। इसमें ये कौन है? अरे लैला मजनू है यार, और क्या है। कितनी ध्यान से देखिए, लगता है इन तीनों में से एक ही का दिमाग है। ओ, दिमाग का फैसला बाद में कर लेंगे, पहले ये बताइए लड़की कौन है। अरे यही है जिसने हमारे चिप्स के पैकेट और जूस वगैरह चुराए थे। स्लाइड करो, ये 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 जो पीछे है ना, यही लड़की है। हाँ ये, हाँ ये राइट, कुछ चुरा तो रही है वो इसने। एक काम करते, इसी जगह वापस चलते, पता लगाना होगा ये लड़की है कौन। एक सेकेंड, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुझसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। यू कैन गो। फोन दो इसको। चलो क्या लैला का है? लैला लैला करिश्मा, उसे कुछ काम इसलिए नहीं आई। ओके, ब्यूटी पार्लर जाने को काम नहीं कहते। क्यों? तुम्हें किसने बताया कि वो पार्लर गई है? मुझे कैसे पता होगा? पता तो तुझे होगा ना। हमें क्यों पता होगा, हम सेक्रेटरी उसके। नहीं, वो क्या है वो मुझे नहीं पता, वो तो दिख रहा है फोटो। बहुत ज्यादा बोल रही, उधर देखो। चलो तू कम बोल, क्योंकि तू सारा ना प्लान खराब कर देगा। घटिया प्लान, एक नंबर का घटिया प्लान है। सेम जगह पे चोरी करने कोई वापस क्यों आएगा? क्यों क्यों नहीं आ सकता? सिर्फ तू और करिश्मा आ सकते क्या सेल्फी लेने? हम चोरी करने नहीं गए। अच्छा, तो वो लड़की चुराने की मोटे से आई होगी। आप दोनों जब देखो तब झगड़ते रहते हैं। ए, तारा, what's your age? 11. अरे 11 साल की बच्ची क्या गया, धेड़ उमड़ के बूढ़े लड़ रहे हो तुम? This is nonsense, disgusting. बच्चे हाँ मैं, पर बच्चों जैसा भी है आप दोनों कर रहे हैं। या तू अपने भाई को क्यों नहीं समझाती? ये हमेशा क्यों स्टार्ट करता है चीजें? फालतू बात किसने शुरू की? अच्छा तो मैं ही करती हूँ ना फालतू, तू तो कुछ करता ही नहीं है। अरे तू जान रही है, वो भाग रही है, पकड़ियो उसे।
अरे कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? डरिए मत, ये हम आपके लिए लाए थे। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस बताओ हो कौन तुम। बेटे बेटे रोने की जरूरत नहीं यार, हम आइस पाइस खेल लेते धप्पा। देखिए आप डरिए मत, हम आपके दोस्त हैं, बताइए ना कौन है आप, क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो, सुनो इसे कितनी चोट लगी है। ये हमारा नाम तारा है, आपका क्या नाम है बताइए ना, हम आपके दोस्त हैं। बताओ बेटा। एक काम करते, इसे ना अर्जुन चाचू के पास ले जाते। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? आप रोइए मत, आप घूम गई हैं, हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे। देखो हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो फिर हम सब लोग तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हर कोई आपका फ्रेंड है, बताइए ना आप। बताओ कहाँ से आई हो, घर कहाँ है तुम्हारा, बोलो। शक्करपुर। शक्करपुर? शक्करपुर कहाँ है? पता नहीं, मैं ट्रक में बैठकर आ गई। ट्रक में आई थी, इसका मतलब शक्करपुर पास में नहीं है। बेटा आप चिंता मत करो, हम आपको आपके घर पहुँचा देंगे। क्या हुआ ना कुशल? मुझे घर नहीं जाना। अरे घर क्यों नहीं जाना, मम्मी पापा के पास नहीं जाना? नहीं नहीं जाएंगे घर। क्या हुआ, घर पे किसी ने डांट दिया क्या? बाबूजी और दादी मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं बोलते, जरूर आपने कोई शरारत की हो। लगता है ये घर वालों के डांट के डर से भाग कर आई है, इसे से घर पहुंचाना होगा। मुझे घर नहीं जाना, वो मुझे मार देंगे। आप मेरी माँ को बचा लो प्लीज। मार देंगे, कौन मार देगा? बताइए ना, हम सब आपके दोस्त हैं। बाबूजी और दादी। बाबूजी और दादी? अरे क्या खाना हजम नहीं हो रहा क्या उन्हें, ऐसे कैसे मार देंगे? देश आजाद हो तो कुछ भी करेंगे क्या? बताओ मुझे वो क्यों मारना चाहते हैं तुम्हें? क्योंकि हमसे कोई खुश नहीं है, कहते कि मैं कुछ काम की नहीं हूँ। अरे तू जल्दी मर क्यों नहीं जाती, इतना मारा तुझे, तुझे तो मौत भी नहीं आती। एक बेटा नहीं जन सकती तू, तू बेटा पैदा नहीं कर सकती ना, चली जा, जाके कहीं मर जा, चल ऐसे, ताकि मैं अपनी जिंदगी खुशी से आगे बढ़ा सकूं। लड़का लड़का लड़का, क्या सब मेरे हाथ में है, अब क्या करूं? लड़के के चक्कर में दो बार बच्चा गिरवा चुकी हो, औरत तो कभी समझा ही नहीं है, बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के रिलाए दे रहा हूँ मुझे, थोड़ी तो इंसानियत रखते। जवान लड़ाएगी तू मुझसे, मुझसे जवान लड़ाएगी? देख देख आज मैं तेरा क्या कर रहा हूँ, क्या हाल करता हूँ मैं तुझको और तेरी बेटी दोनों को, आज मैं भगवान के पास भेज दूंगा। कैसा बाप है यार, लड़का लड़की में फर्क करता है यार, यार हिसाब 50-50 का होना चाहिए। मैं स्कूल नहीं गया, मुझे पता है ये बात यार, आधा आधा मिलाकर ही तो फुल होता है। प्लैनेट 50-50। गूगल क्या तू ही कर सकते है रे, हैं? इसके बाबूजी को भी वारिस चाहिए होगा ना, खानदान का नाम बढ़ाने वाला। तो खानदान का नाम तो तू भी आगे बढ़ा सकती है, एक ऐसी बातें कर रहे हैं यार लोग, क्या पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं इसके बाबूजी। मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैं भाग कर आ गई, अब प्लीज मेरी माँ को बचा लो, मुझे मरना नहीं है, अब मेरी हेल्प करोगे ना? रोशनी जी ये तो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता है। हाँ आप क्या करेंगे? पहले तो हमें शक्करपुर ढूंढना होगा, मेरे ख्याल से बदलीपुर के आसपास दो शक्करपुर है और मुझे वहाँ के थाना SHO को खबर करनी पड़ेगी। नकुशा तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमारे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता,
प्रिंस नाम है हमारा। मार दिया भाई ने डायलॉग। मैं खुश हूँ। तुम बदलीपुर क्यों आई? यहाँ पर मेरी नानी और नाना रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे हेल्प मांगने आ गई। बेटा क्या नाम है उनका? मैं तो कभी भी उनसे नहीं मिली, उन्हें सिर्फ फोटो में देखा है। मैं उनसे कभी नहीं मिली और वो भी आपसे कभी मिलने नहीं आए। तुम्हारे पास कोई फोटो है उनकी? अजीब सी बात है, मतलब यार देखा ही नहीं उन्हें कभी। माँ कहती है कि बाबूजी को पसंद नहीं कि नाना नानी हमारे घर आए। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? कमला। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं है। अभी कहा ना आपसे, देखिए पुलिस अंकल भी आपके साथ है, हम सब लोग आपके साथ। इस वक्त ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं है, पहले ही बहुत देर हो चुकी, अभी हमें इसे सेफ हाउस ले जाना चाहिए। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। यही बच्ची? जी हाँ यही है ना। कुछ देखो बेटा, बिल्कुल भी मत घबराना, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। इंस्पेक्टर साहब रात बहुत हो गई, इस वक्त चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सेफ हाउस में ले जाना ठीक नहीं होगा। आप तो वैसे भी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, आपको क्या लगता है कुछ बताइए। प्रधान जी मेरे ख्याल से तो हम इसे अपने घर ले जाएं। दाना जी। चाचू। अच्छा वैसे नखुशा आप हमारे घर चलेंगी? तो ठीक है, हम आपको अपने घर ले चलते। इस बहाने तारा के साथ इसका मन भी लग जाएगा। क्यों? वहां प्रिंस को देखकर वैसी भाग जाएगी। डॉक्टर प्रिंस, थैंक यू। थैंक यू किसने? लड़कियों के मामले में पढ़ने में। मुझे जाने दो, मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है, मुझे जाने दो। अंकल अभी तो आपको पता चल गया है ना कि नखुशा को उसके दादी और बाबूजी से खतरा है, तो आप जाके उन्हें पकड़ सकते हैं ना। बेटी पहले पता तो चले कौन सा शक्करकूप, नखुशा तो कुछ बता नहीं रही है और यहाँ आसपास दो शक्करकूप है। शक्करकूप को ढूंढने के साथ साथ हमें नखुशा के नाना नानी को भी ढूंढना होगा। बेटी को ढूंढना है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। और तुझे जाना है ना तो जाएगी, मगर अपनी जान से जाएगी। तू थोड़ा इंतजार कर ले, पूरे 10 साल, 10 साल मैंने दिए तेरे पीछे अपनी जिंदगी के, क्या हासिल हुआ? सिर्फ लड़की। 10 साल में लड़कों की लाइन लग जाती, लेकिन तुझसे एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। भगवान कोई ना कोई कमी रख ही देते हैं। पैसा दिया, उपजाऊ जमीन दी, लेकिन बंजर बहू दी, सारी कसर यहाँ आके निकाली। इसका किस्सा खत्म होना तो दूसरा ब्याह करके दिखाऊं मैं। मैं हाथ जोड़ दी हूँ, अपने बेटे को लेके दूर चली जाऊंगी, मुझे जाने दो। हमें लगता है कि अगर हमें नखुशा के नाना नानी को ढूंढना है तो हमें फेसबुक पे नखुशा के बारे में कुछ लिख देना चाहिए, शायद कोई लिंक मिल जाए। मुझे लगता है नखुशा की आइडेंटिटी को इस तरह से जाहिर नहीं करना चाहिए, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे लगता है सोच समझ कर ही पोस्ट करना होगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। नखुशा और उसकी मम्मी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। मैम हम नखुशा की डिटेल्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, उसका नाम नंबर नथिंग। मेरे पास एक प्लान है, हम ना पोस्टर्स लगाएंगे, इससे शायद हम नखुशा की नाना नानी तक पहुंच सके। पहुंचा देंगे नखुशा को भी ऊपर, तेरे पास, चिंता मत कर। पहले तू, फिर तेरी बेटी, फिर हमेशा हमेशा के लिए तेरा किस्सा खत्म। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, एक बार नखुशा की नाना नानी मिल जाए, फिर उसकी दादी और उसकी बाऊजी का बचना इम्पॉसिबल।
मैंने लगा दी अपने हिस्से के सारे। एक बात, पहली बार बदलीपुर के प्रिंस को सही काम मिला है। चिपका रहता ना हर जगह, और सही चिपकाने का काम दे दिया इसे। देख सॉरी हरा। काम हो भी गया? हाय, आई थॉट कि कुछ हेल्प कर दो। नहीं बस ऑलमोस्ट हो ही गया। अब हेल्प तो अभी भी कर सकती है यार, लेकिन तेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा तेरी हेल्प करने की नीयत है। ओह डोंट फॉरगेट, ये केस वैसे मिला किसकी वजह से? हमारी वजह से। हमारी वजह से? मतलब हमारी वजह से। भाई इस चीज के लिए तुझे श्रीफल और शॉल से सम्मानित कर दूं क्या? हैं? ओ हेलो, तुम स्मार्ट हो गए लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। प्रिंस यहाँ बहुत भीड़ है, अगर तुम्हारा काम हो गया तो यहाँ से चले प्लीज। क्यों नहीं चलो। अरे अदरक थोड़ा ध्यान काम पे भैया, वो पोस्टर जो निकला है वो और सारे लगा दिया। अच्छा लास्ट की में लग। अरे तारा तेरा भाई यार लोहा भंगार है एक नंबर का। अदरक 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 क्या, ये देख कैसे चुंबक की तरह चिपका हुआ है। तारा फेसबुक से कुछ मिला? चेक नहीं किया, अभी चेक करते हैं। कर जल्दी। किटी इस पोस्ट को बहुत लोगों ने शेयर तो किया, कुछ पता नहीं चला। भाई तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हमारी बात ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं जाती, समझी? अब देख कैसे पहुंचती है। सुनो सुनो सुनो, बदलीपुर में बेटी कमला के माँ बाप आकर मिले, एक जरूरी खबर है। इस नंबर पर संपर्क करें 973-824-9255। अच्छा और बदलीपुर तक की बात कैसे पहुंचेगी? आपकी चिल्लाने से? अरे टैर रेडियो से पहुंचेगी। हाँ ये बात एकदम करेक्ट की है इसने, अगर तू चाहे ना तो तेरी आजीने की पूरे बदलीपुर में ये बात फैला सकती है ना? हाँ अदरक, जैसे आपने ब्यूटी आंटी को विश करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, वैसे हम सब आज ही आरजे निकी को रिक्वेस्ट भेजेंगे। अरे वाह कमाल है, बदलीपुर के पूरे दीवार को तुम लोगों ने पोस्टर से ढक दिया, वेरी नाइस। हम मैं चलती हूँ। मैडम तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा तो जा रही हो तो एक हेल्प कर दो मेरी, वो आरजे निक्की तक ना एक ईमेल पहुंचा दो मेरा, वो ये नाकुशा है ना इसकी स्टोरी वहां तक पहुंच जाएगी तो बढ़िया रहेगा, इसके नाना नानी भी मिल जाएंगे। ठीक है मैं कोशिश करूंगी, अभी जा रही हूँ नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। कोई कुछ नहीं बोलेगा। बदलीपुर की बेटी है कमला, और आप अगर कमला के पेरेंट्स को बदलीपुर में जानते हैं तो उनका पता हमारे साथ कीजिए शेयर, क्योंकि एक जरूरी खबर उनका कर रही है इंतजार, और आपके फोन कॉल्स का कर रही है इंतजार आपकी एक सेकंड आरजे निकी। आरजे निकी तो हर बात एकदम तुरंत कैसे पता चल जाती है? रोशनी मैडम क्या सुना तुम लोगों ने? क्या सुना? रोशनी मैडम। हाँ तो रोशनी मैडम ने शायद ईमेल कर दिया हो। हाँ। क्या सुनते हो बे तुम भी? फोन आ रहा है। फोन आ गया। हेलो जी। थैंक यू। हेलो हेलो, मैं कमला की माँ बोल रही हूँ। कमला की मम्मी। हाँ जी आंटी बोलिए बोलिए। हमने पोस्टर देखा, क्या खुशखबरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी आप एक काम कीजिए, अपना एड्रेस हमें भेज दीजिए, हम खुद आकर आपको सब बातें बताएंगे, है ना? ठीक है ठीक है, थैंक यू आंटी, बाय। देखा बेटी मेरा आइडिया काम आ गया ना। मेरा पोस्टर मैंने लगाई थी। हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ
तो अब हम क्या करते हैं कि पुलिस को जाके बता देते हैं कि लकुशा की नानी का हमें पता लग गया। ये सर मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। अच्छा, बहुत सुंदर है। चलिए हम भी आपको कुछ सिखाते हैं। दीजिए ये देखिए, इसको ना बेटा आप इसे बनाइए, हम किचन में जाके ना जरा गैस बंद करके आते हैं। मत जाओ। बस एक मिनट बेटा, अब जब तक ये बनाएंगे हम वापस भी आ जाएंगे। पानी ले गया। ये सब क्या नाटक है? पहली है, सुनाई नहीं देता। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता यहाँ। चल चल, मांगने लग गया। चल क्या कर रहे हो आप? छोड़िए इसका हाथ, छोड़िए। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि आप फिर से वही कहानी दोहराएंगे और हम चुप रहेंगे? आपने बिल्कुल सही किया, आवाज उठाना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। वैसे आप क्या कह रहे थे, फिर से वही कहानी, इसका क्या मतलब है? नहीं वो बस एक पहले भी डरा चुके हैं ना, तो बस वही कह रही थी कि दोबारा ना डरें। हेलो रोशनी जी। जी एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर? जी हाँ, नकुशा को लेकर आ जाइए, उसके नाना नानी मिल गए। क्या? मैं भी आती हूँ। दमयंती जी, इसके नाना नानी मिल गए, तुम्हारे नाना नानी मिल गए, हम लोग जाते हैं, चलो। जैसा कहा वैसे ही कर। तुझे तेरे पोते की कसम, इसे जिंदा रखना। कमला जी की माँ है? नमस्ते, मैं किति, आपसे बात की थी ना फोन पर। कमला की बेटी यहाँ बदलीपुर में कहाँ और कैसे?
सुनिए सुनिए, देखिए आप लोग कौन? और ये पुलिस? घबराइए मैडम, वो क्या है ना, हमें नकुशा मिली है बदलीपुर में, कमला जी की बेटी। कमला? कमला की बेटी कहाँ है? ये रही नानी। कमला की बेटी, ये फोटो मिली थी इसके पास। ये फोटो तो हमारी है। नकुशा, मेरी बच्ची। इसे कैसे ढूंढा? ये जो फोटो मैंने आपको दी है, इसके पीछे बदलीपुर का नाम लिखा है। हम बस उसी को देखकर यहाँ आ गए। आप ही ने लिखा होगा शायद, पूरा एड्रेस नहीं था इसीलिए आप तक पहुँचने के लिए हमें पोस्टर्स छपवाने पड़े। यहाँ आई ही नहीं वो, तो उसे एड्रेस कैसे पता होता? क्यों नहीं आई? मेरा मतलब है, बच्चे तो अक्सर आते हैं ना अपने नाना नानी से मिलने। हम सब इससे मिले थे जब ये पैदा हुई थी। मनहूस कहीं की? कितनी प्यारी गुड़िया हुई, देखिए ना, बहुत सुंदर है। लाइए ना मिठाई, खिलाइए। मुंह मीठा करिए। किस बात का मिठाई? यहाँ कोई खुशी नहीं है। और मिठाई खाने का शौक हो ना तो तुम दोनों खुद खाओ। एक साल बाद आ रहा, जब बेटा पैदा होगा। चलो चलो निकलो यहां से अभी। और फिर आप लोग उसे छोड़कर वहां से चले आए। क्या करते, शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, फिर वो जाने और उसका घर वाले जाने। शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है जो आप लोगों की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है? यही रीत है ससुराल की, ज्यादा दखल अंदाजी करने से मामला बिगड़ जाता है। अब कौन सा सुधर गया आपके चुप रहने से? जान पर बनाइए उसकी। देखिए, माता पिता का दूसरा नाम साया होता है, चाहे दुख हो या किसी भी जगह वो अपने बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं। अभी फोन भी नहीं आया आपकी बेटी से? एक बार फोन पे बात हुई थी बस। माँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। माँ ले जाओ? कहाँ ले जाऊँ बेटा? मुझे अपने पास ले जाओ माँ। कमला, क्या हुआ है बेटा? वो रोज मारपीट करते हैं, अब नहीं सह जाता मुझे। बेटा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट? वो रोज मारते हैं मुझे, आपको समझ नहीं आ रहा माँ मैं क्या कह रही हूँ। कमला, डो मत बेटा। देखो, झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच में होता है ना, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ दे। माँ, आपको क्या हो गया? मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे यहाँ से लेके जाओ। कमला, शादी के बाद बेटा पति का घर ही लड़की का घर होता है, ये बचपना छोड़ दे बेटा तू। प्लीज माँ, मुझे मुझे यहाँ से लेके जाओ। हेलो समदन जी, बड़ी चिंता हो रही है बेटी की। अब की बार अगर फोन आया या इसने किया तो आके ले जाइए अपनी बेटी को हमेशा के लिए, समझे? किसका फोन था? कमला का फोन था, उसकी सास ने फोन छीन लिया और कह रही है कि अब दोबारा फोन करोगे तो अपनी बेटी को साथ ले जाओ। क्या करते, कोई माँ बाप अपने बेटी का घर उजाड़ना चाहता है क्या? बताइए। मतलब अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ सकते हैं पर उस घर को नहीं छोड़ा सकते, ये कहाँ की समझदारी हुई? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अपने कंधे का बोझ दूसरे कंधे पर डालकर आप बस अपना हाथ झड़कना चाहते थे। इतना मुश्किल है समझना कि लड़कियां बोझ नहीं होती है। शायद
इसी का नाम कलयुग है। कमला कहाँ है? नानी, आप प्लीज माँ को बचा लीजिए। हाँ बेटा, हम कमला को बचा लेंगे, तुम्हारी मम्मी को बचा लेंगे बेटा। आपकी बेटी की जान खतरे में है। आपको पता है कहाँ रहते हैं वो लोग? विश्वास नगर में। विश्वास नगर? पता, नकुशा तो शकरपुर कह रही थी। कई सालों से कोई खबर नहीं है उनकी, शायद घर बदल लिया है। अंकल, मैंने भवानी काका से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि वो दो दिन पहले ही शकरपुर से एक ट्रक लाए हैं, शायद उसी ट्रक में बैठ के नकुशा आई हो बदलीपुर। फिर हमें कमला को उस नरक से निकालना होगा बाहर, जल्द से जल्द। भटुकना तो उसकी माँ इतनी आसानी से अपने गुनाह कबूल कर ले, ये संभव नहीं। उन्हें अपने जाल में फंसाना होगा, क्योंकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। मेरे पास एक प्लान है। सिटी का प्लान? और नाकामयाब हो जाए, इम्पॉसिबल। नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बदलीपुर से आया। क्या नकुशा नाम की लड़की यहीं रहती है? नकुशा? जी नहीं, यहाँ नहीं रहती। देखिए, ये हमें बदलीपुर में मिली है। इसके परिवार को ढूंढ रहे। मैं नहीं जानती इसे। आप पक्का इसे नहीं जानती? एक बार कह जो दिया, इसे नहीं जानती मतलब नहीं जानती। अरे भाई, इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा, ये एक ग्लास पानी प्लीज पिला दीजिए। देखिए, मुझे बाहर जाना है और मुझे देर हो रही है, आप पानी कहीं और जाके पी लीजिए। तो इंस्पेक्टर अंकल ने फाइनली नकुशा की फैमिली को ढूंढ लिया। तो यार, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, इसके वो बाऊजी और दादी को तभी क्यों नहीं धर लिया? क्योंकि उन्हें सबूत चाहिए था, पक्का सबूत, है ना किति? हाँ, देख अगर सबूत कमजोर हुए ना तो वो लोग आसानी से छूट जाएंगे। अबे यार, सामने अपराधी खड़ा है, उसे तभी क्यों नहीं पकड़ लेते? यार सबूत मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, देश आजादी नहीं है क्या? देश आजाद है क्योंकि ना कानून सबूत मांगता है। जिसको देखो यार, कुछ ना कुछ मांग रहा है। नहीं नहीं, आप है ना जो कुछ नहीं मांग रहे। नहीं यार, मैं भी मांग रहा हूँ उड़ान देवी से पंख। एक बार बेटा पंख मिल गए ना, उड़ जाऊंगा और सारे केस सॉल्व। नीचे आ जा, ऊपर ना ऑलरेडी बहुत से हवाई जहाज घूम रहे हैं, उनको तेरी जरूरत नहीं। नीचे आ जा। क्या हुआ? नकुशा मिल गई है उन लोगों को, पता ढूंढते फिर रहे हैं, यहां पर भी आए थे, मैंने तो साफ मना कर दिया। 12 साल से उस नर्क को अपने पास रख लिया, अब और नहीं। अच्छा क्या मना कर दिया? आज जैसे तैसे पीछा छुड़ा लिया, कल अगर जायदाद में हिस्सा मांगने आई तो, और साथ में पुलिस को ले आई तो। इसको रास्ते से हटाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। सारा काम आज ही करना पड़ेगा, पहले उसकी माँ को, फिर उसकी बेटी को। देश आजाद है, लेकिन इतना भी नहीं है कि तू प्रिंस से छूट के भाग जाए। भाई डोले वोले मेहनत इसने ऐसे ही नहीं की,
और तू इतनी मेहनत मत कर, पसीना पोंछने के लिए कोई रुमाल भी नहीं देगा। वैसे कर तो मैं अकेला ही लेता, लेकिन हे एस केम सो आई थॉट क्या हो रहा है सब? नकुशा पे अटैक किया इसने, क्या हो रहा है ये सब? हो कौन तुम, कहां से आए हो और तुम्हें भेजा किसने? जवाब दो। जवाब तो ये पुलिस स्टेशन में जाकर देगा, ले जाओ उसको। प्रधान जी, कल बच्चों को स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर। दीप्ति, अदरक, तुम लोग इतनी रात को यहां कैसे? क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? जी प्रधान जी। चलिए फिर, नमस्ते। चलो नकुशा बेटा। नहीं, मुझे रोशनी मैम और तारा के साथ रहना है। अरे नहीं क्या? चलो चलो। नहीं, मुझे रहने दीजिए ना प्लीज। अरे अगर नकुशा यहाँ रुकना चाहती तो रुकने दीजिए ना, बस रोशनी जी को कोई दिक्कत ना हो तो। कैसी बातें कर रही है, मुझे कैसे दिक्कत होगी, वैसे भी हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं, है ना? अच्छा ठीक। नकुशा कोई पीछा कर रहा है? हाँ, वो बाहर तक आ गया था बाइक लेके। शायद ये सब इंस्पेक्टर अंकल के शक्करपुर जाने का नतीजा है। वो उसके बाबूजी भी तो हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं ना, हम नकुशा को उसके नाना नानी के पास छोड़ देते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा। नहीं तारा, उसे यहीं रहना होगा, वो यहीं सेफ है, हम सब हैं यहाँ। इसी बहाने उसकी दादी और उसके बाबूजी को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, अरेस्ट करवा सकते हैं। आप एक काम करिए, आज रात को आप यहीं रुक जाइए, मामी से परमिशन लेनी होगी, चाचू हेल्प कर देंगे मेरी। प्रिंस ब्रदर, आई लव यू। मुझे पता था तू मुझे कभी नहीं जाने देगा कहीं। अरे मैं रह लूंगा तेरे साथ यार, कमरे में क्या टेंशन है। और देख, अदरक किसी को बार बार नसीब नहीं होता। कोई बात नहीं यार, मुझे कोई टेंशन नहीं है रहने में, मैं तेरे साथ रह लूंगा। आई लव यू यार, ही इज सो स्वीट। सारी बातें ठीक है, नहा के तो आया ना? क्या मतलब है? आई ऑलवेज बाथ। चलो दैट्स गुड, फिर ठीक है। अगर ये सब तुम्हें पहले से पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? ये तो तुम लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि नाखुशा बच गई, वरना हम उसकी नाना नानी को क्या जवाब देते? प्रधान जी, लाइफ ही रिस्क है और जीना तो पड़ेगा ही ना, इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। प्रधान जी आप परेशान मत होइए, बच्चों ने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया था। चलो आगे से कुछ भी ऐसा करो तो मुझे जरूर इतला करना। सच बताओ, नहीं तो सारी जिंदगी तुझे जेल में सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। नहीं मालूम साहब, नहीं मालूम। ये नहीं बोलेगा, लेकिन इसका फोन बहुत कुछ बोलेगा। ये तुम्हें कहां से मिला? लास्ट डायल नंबर पे फोन करता हूं, ये जरूर इसके बॉस का होगा। फर्स्ट नंबर, मुंह बंद करो इसका। मुकुल, ये ठूस दे उसके मुंह में। खोलेगी कि नहीं तू? उसका मुंह बंद रख। हेलो किशन, काम हो गया? अरे मार दिया ना कुशा को। हेलो मम्मी, अरे कुछ तो बोल, हा या ना। हरामखोर कहीं पी के पड़ा होगा। कुछ नहीं पता तुझे, ले लो उसको।
अंकल अब तो आपको सबूत मिल गया ना, अब तो कानून बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ। बहुत ठोस सबूत है हमारे पास। वो फोन के पीछे किसी की आवाज आ रही थी। हाँ थोड़ी थोड़ी आवाज तो आ रही थी। हाँ मैंने भी सुना, कुछ वो झटपटा रहा था कोई पीछे। वो मेरी मम्मी की आवाज थी, मुझे लग रहा है कि उनका कोई गला घूट रहा है। क्या इसका मतलब नवकुशा की मम्मी डेंजर में है? आप प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए, नहीं तो वो उनको मार देंगे। हम जरूर इन्हें बचाएंगे बेटा, हमें फौरन नकुशा के घर दबिश करनी पड़ेगी। नकुशा को भी साथ ले चलते हैं। अमलदार तैयारी करो। कोई शोर नहीं करेगा, आधे आधे दोनों तरफ बढ़ जाओ, सावधानी से। पानी पिला दे उसको। खोल मुंह खोल। कुछ असर हुआ कि नहीं? हम असर हो रहा है। इस वक्त कौन आया होगा? नहीं। मां तू बाहर जाके देख। मैं देखती हूँ। तुम दादी, हम आपके पास हमेशा के लिए आ गए हैं। आप क्या सोच रहे हो कि हम वापस क्यों आए? आप जैसी भी हो, आप हमारी दादी हो। बाहर के लोग बहुत बुरे हैं। अच्छा, बाहर के लोग बहुत बुरे हैं ना, तो फिर ऐसे बाहर की दुनिया में जी के क्या करेगी? किसी के भरोसे पे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। चल आज मैं ही तेरा काम तमाम कर देती हूँ। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके चलना होगा। जल्दी करो। कोई बात नहीं। उठो उठो, उठाओ उठाओ। जल्दी करो। आराम से। देखिए आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी सशक्त है हमारी बेटी, कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं। तो फिर ये आंसू क्यों? ये काम हम बहुत पहले कर सकते थे। काश काश उस दिन बेटी का साथ दिया होता। इस बात का परवाह किए बगैर कि बेटी घर लौट के आएगी तो लोग क्या कहेंगे, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। लो क्लास ने हमसे हमारी बेटी छीन ली है। माँ बाप का साथ तो बच्चों के ऊपर हमेशा होना ही चाहिए, हर हाल में। लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच कर हम अपना ही दुख बढ़ा लेते। आज एक बात अच्छे से जान लो, ये दुनिया है इसमें लोग तो हर हाल में कहेंगे। अब उन्हें होश आ चुका है, अब चाहे तो उनसे मिल सकते। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जाइए जाइए, जाकर मिलाइए। अरे आंसुओं में तो घुल जाते हैं।
आप हाँ बेटा, हम दोनों तेरे को अपने साथ ले जाने आए, पर मेरा घर तो... बिटिया, घर वही होता है जहाँ खुशियाँ। चल बिटिया, चल हमारे साथ घर चल। लोग क्या कहें? अरे लोग गए भाड़ में, पहले हमारी बच्ची है, लोग बाद में। हम दोनों तेरे साथ ही बेटा। वो अब जेल की सजा काटेगा। ऐसी हरकत करने वाले को कानून ऐसा सजा देता है वो जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। आज हम सब सेलिब्रेट करने वाले। चाचू, किस चीज का सेलिब्रेशन? प्लैनेट 50-50 का। क्या मैम? वनडे मैच 50-50? नहीं भाई, कुछ और है। 50-50 का मतलब है 50-50 की दुनिया, बराबरी बराबरी का, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का हिस्सा बराबर, ना किसी की ज्यादा ना किसी की कम। हर लड़की नकुशा ना हो, खुशी हो, उसके पैदा होने पे सब खुश हो, क्योंकि आधी दुनिया उसकी भी है। और आज इस केस को सॉल्व करने की खुशी में तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। रुको रुको, आता हूं। केक। अरे केक मीठा होगा ना? वो तो खा के ही पता चलेगा। ये देखा मानव, बेटे की चाहत में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। और नाखुशा, ये किस तरह का नाम होता है? नाखुशा, ना खुशा जिसके होने से कोई खुशी ना हो। इतनी प्यारी बच्ची है, उसकी मुस्कान देखकर तो हर किसी का मन खुश हो जाना चाहिए। अब कोई सिर्फ खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक लड़की है। और फिर देखो ना नेहा, बेटा ना होने की वजह से नाखुशा की माँ कमला के साथ हर दम होती मारपीट। पर कमला के माँ बाप ने भी तो उसे अकेला छोड़ दिया। यही तो करते हैं ना माँ बाप भी, अगर कुछ हो जाए, उनको पता चल भी जाए तो भी कह देते बेटा वही रहो, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा संसार है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ससुराल स्वर्ग होता है, फिर चाहे वो ससुराल नर्क से भी बदतर क्यों ना हो। वो क्या कहते हैं, एडजस्ट करो। ये एडजस्ट करते करते ना हालात बदतर हो जाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जब मारपीट होती है तो क्या औरतों की चुप्पी जायज है? और मैं माँ बाप से पूछना चाहता हूँ जिनकी बेटियों के साथ ये सब होता आया है, ऐसे में आपका क्या फर्ज है? आपस में बात कीजिए और घर में हो रही हिंसा को रोकिए। फिर मिलेंगे आधा फुल के अगले एपिसोड में। और हाँ, सोचिएगा जरूर, मुद्दा संगीन है। प्लीज़।